विदेश जाकर राहुल गांधी का सिखों पर अपमानजनक टिप्पणी। बीजेपी नेता हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को बताया किरोसिन मैन। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में कहा सिख कड़ा और पगड़ी भारत में नहीं पहन सकते हैं। आप भी हतप्रभ होंगे कि राहुल गांधी अमेरिका के वर्जीनिया में ये क्या बोल रहे हैं। अंकल सैम ने क्या स्क्रिप्ट ढीली की? अंकल सैम की जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी के विदेश यात्राओं की खूब सुर्खियां यहां पर कांग्रेस बटोरे और राहुल गांधी को एक स्पेशल लाइमलाइट मिले। तो देखिए वो मिलता भी है। अभी भी राहुल गांधी स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बार चुनावी माहौल को बनाने में कामयाब हुए। लेकिन ये क्या सिखों पर अपमानजनक टिप्पणी करके बुरे फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और वहां पर सिख नेताओं ने ही राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया है। वो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हो जाए या फिर बीजेपी नेता, तमाम दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है, चिराग पासवान ने भी कटाक्ष किया है। तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की बखिया उधेड़ी है। आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने आखिर क्या बोला। दर्शकों, राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में तो सिख कड़ा भी नहीं पहन सकते हैं, पगड़ी भी नहीं पहन सकते, इतनी आजादी नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा राहुल गांधी केरोसिन मैन है। सिखों का जब कत्लेआम हुआ, दरबार साहिब पर हमला हुआ, ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 3000 सिखों का कत्ल करा दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सिखों के कड़े, सिखों के बाल खींचे थे, सिखों के केस मुंडवाए थे और सिखों को कोई इज्जत भर नहीं छोड़ा। और ये वही राहुल गांधी है जो अनाप शनाप बोलते हैं, जो जहर फैलाने की काम करे, वो पप्पू नहीं है, वो बखूबी एक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको ले चलेंगे उनके बयान पर, उसके बाद आगे की टिप्पणी। ये तो वही किया उन्होंने, सामने लोग बैठे थे जो नाम पूछते हैं, फिर उधर कौन है, फिर आकर इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में कहां हो रही है। यू नो, हमारे रिलीजन गुरु साहेब, गुरु ग्रंथ साहेब, मैं देश में जहां पे भी जाता हूं, अलग डिफरेंट कॉर्नर्स, वेरी प्राउड गुरुद्वारा साहब, छोटे छोटे, एंड दे रेवरेंस, समाज सेवा जो करते हैं, लंगर सेवा जो करते हैं, क्या बोल रहे हैं पगड़ी पहनने में मुश्किल हो रही है। मैंने बोला हमारे इतिहास में एक ही बार वो हुआ जब द लेट श्री राजीव गांधी मेड दो स्टेटमेंट्स एंड एन ऑर्गेनाइज प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ माई कम्युनिटी। नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, ये दो अलग स्ट्रीम्स हैं। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो मैंने कहा कि चक्रवर्ती क्लास की स्टेटमेंट्स हैं ये, उसकी कारण उनकी अपनी जो स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो इस स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम। उनकी पार्टी में देर आर मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी ऑल्सो, चन्नी जी हैं जो फॉर्मर हैं और बाकी लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आपको क्या पगड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है, अपने बच्चों को कड़ा पहनाने में, या कोई है प्रॉब्लम, दोज आर सेपरेट इशू। और कानूनी कार्रवाई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में, दैट इज नॉट फॉर मी टू कॉमेंट। वो ही इज ट्राइंग टू रन द कंट्री डाउन। मैं आपको बताता हूं, भारत की छवि आज के दिन में इसलिए नहीं क्योंकि $4 trillion की इकोनॉमी है, इसलिए नहीं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक ऐसे लेवल पे ले आए हैं जो कभी भी नहीं थे, तो देश की वो कोशिश कर रहे हैं छवि खराब करने की। इस प्रोसेस में वो अपनी छवि ज्यादा खराब कर रहे हैं। देश इज वेरी स्ट्रांग एंड आई थिंक द कंट्री हैज बोथ द कैपेसिटी एंड द डिजायर एंड विल लुक थ्रू दिस काइंड ऑफ फॉल्स एंड डेंजरस नैरेटिव सेटिंग। अगर बाहर, देश के बाहर जो लोग बैठे हैं उनको आप भड़का रहे हो कि देश में ऐसा हो रहा है, कहां हो रहा है। वो ये कह रहा है कि जो उसको सीट नहीं मिली ना वो कंट्रोल थी, इसको जो मिल गई वो तो फ्री थी तो ले गया। अरे भैया, मेरे अंकिल, 3 चुनाव में मिला के सीटें 200 नहीं बनती। ये भी अगर कंट्रोल थी, 2019 वाली भी कंट्रोल थी, 2014 वाली भी कंट्रोल थी, हम इसका क्या जवाब दोगे भाई? फिर क्या भाई, उसको क्या छोड़ गया। मैं तो डिमांड करता हूं, पर उनको कुछ कुछ अगर अंदर से उनको हो तो ही शुड अपोलोजाइज। उन्होंने 84 के बाद, उन्होंने, अरे सुनिए, मैंने तो उनके पिताजी की बात की,
उनके ग्रैंड मदर ने तो फौज भेज दी थी दरबार साहब पे हमला करे, उसकी उसकी माफी उन्होंने कब मांगी है? आज तक भी सही तरीके से मांगी है? तो क्या, व्हाई डू यू वांट टू वे यू नो हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिमांड्स कि उसमें माफी मांगे? ही इज सेटिंग अप फॉल्स एंड अ डेंजरस नैरेटिव, ही इज वॉन्टिंग टू क्रिएट ट्रबल. It is my job, RP's job, and everybody's job through your medium to tell them, but this is not true. Have you come across a Sikh who's ever a very, very, very proud community? कहने कि मैं पगड़ी नहीं पहन सकता, मेरे को डर लगता है कोई पगड़ी पहने. उल्टा हुआ, पगड़ी पहनने वालों पे बाहर से अटैक हुए, वो किसी ने बोला ये अलकायदा का है या कोई ऐसा है, ऐसी चीजें हुई है बाहर. No, I think that I see a dangerous narrative setting attempt here. Now, this by itself shows limited or flawed understanding and a desire to create mischief. Whether this is part of a larger conspiracy, we'll find out. I mean, it could also be that he's appealing to groups which have a sense of alienation to come forward and create other problems. I mean, one of the things that's been pointed out to me is that the language he uses and the language which a fugitive from our law, they're living in New York, he uses is remarkably similar. Now that is a conspiracy. Whether this is a, I don't know whether it's part of it, we'll find out. Whether he's been meeting him or I don't know. कि राहुल गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है. गांधी परिवार के मन में ही हमारे प्रति कितनी नफरत है. लेकिन ना तो हमारे को दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकते. ऐसा सपना अब्दाली ने भी देखा था, औरंगजेब ने भी देखा था, जखरिया खान ने भी देखा था, कांग्रेस ने भी देखा और गोरों ने भी देखा, लेकिन कोई भी इसको साकार ना कर पाया. हम ऐसे सपने देखने वालों को भी नहीं छोड़ते. लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बातें करें, सत्ता हासिल करने के लिए कम्युनिटी को बदनाम करें, एक कम्युनिटी को डिमीन करें, एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाएं, नफरत के बीज बोएं, और वो भी उस कम्युनिटी जिसके लिए उन्होंने, उनके और उनके परिवार और उनकी पार्टी ने खुद 1984 में एक कत्लेआम की कोशिश की हो, इस तरह से दस्तार हटाने की, ककार हटाने की कोशिश की हो, और फिर उन लोगों को सम्मानित भी किया हो जो जगदीश टाइटर, HKL भगत, सचिन कुमार जैसे लोग हैं. तो ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए. और अमेरिका की धरती पर जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट चाहते हैं. पाकिस्तान के लोग उनको आम देने जाते हैं, पाकिस्तान की सरकार, चीन उनको पैसे देने के लिए आता है, अमेरिका के राजदूत उनको आकर मिलते हैं. तो ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए देश को किसी हद तक डिमीन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कई हद तक भी डिमीन कर सकते हैं, रिलीजन को, हमारी कास्ट को किसी हद तक भी डिमीन कर सकते हैं. डर का माहौल तो गांधी परिवार ने बनाया था, लेकिन उससे कोई डरा नहीं. देश की आज की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, ये लोगों का दिल जीतने में विश्वास करती है, लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का में विश्वास करती है, गरीब को गरीबी से बाहर निकालने में विश्वास करती है, देश को पूरी दुनिया के अंदर मजबूत करने में विश्वास करती है. और गांधी परिवार जो है वही अपनी नफरत भरी जो उनकी पिछले 40 साल की राजनीति रही है देशों के देश के ऊपर राज करने की, उसी रणनीति पर आज भी काम करती है. ये राहुल गांधी जी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी शायद मानसिकता ऐसी है. जहाँ तक सिखों का संबंध है, नेहरू फैमिली ने कभी सिखों के साथ किए वायदे पूरे नहीं किए. केवल वायदों की बात नहीं है, जब भी मौका मिला, तो अभी एक किताब नई आई थी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बाय एन IPS ऑफिसर, तो उसने लिखा कि हाउ दे डिसाइडेड टू किल सिख फ्रॉम इन 1980 एंड विन 85 इलेक्शन. उसी में ब्लू स्टार हुआ, उसी में दिल्ली रॉयट्स हुए, उसी में सिख मारे गए. ये शायद उनको अपने दिमाग में कहीं, जो उनकी सोच है कि मैं सिखों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ऐसी बात जब राहुल राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिख नजर नहीं आने चाहिए. उन्होंने फिर ये भी कहा जब दिल्ली में दंगे हुए, और दंगे तो नहीं मैं कहूंगा, सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में, तो तब उन्होंने 3 दिन तक यहां फौज नहीं भेजी और सिखों को मरने दिया,
आज तक 40 साल बाद भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आज भी कोशिश कर रहा है कि 40 साल बाद उनको मल्लम भी लगे और उनको जो इंसाफ भी मिले। प्रधानमंत्री जी ने आके सिखों के लिए कम से कम 30 ऐसे काम किए हैं पिछले 10 साल में जो काम कभी सोचे नहीं था। इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छोटी बात नहीं कि आप इंडियन एयरलाइन का जहाज देखिए, उसके पीछे सिखों का इंसिग्निया एक ओंकार लिखा होता है, पूरे विश्व में जा रहा है, ये कोई छुपने वाली बात नहीं। जो करतारपुर साहब का वहां जाने के लिए कॉरिडोर बनाया, गुरु नानक साहब का गुरुपुरब सारी दुनिया में मनाया विश्व में, जो साहबजादों की शहादत हुई है उसके बारे में पूरे देश को जानकारी दी और उसको पक्का कर दिया कि हर 26 दिसंबर को पूरे भारत में सिखों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। वो ऐसे नेता हैं जब भी कहीं जाते हैं तो वो भूलते नहीं कि यहाँ अगर कोई सिखों का धर्म स्थान है तो मैं वहाँ जाके मत्था टेकूं। और इस मानसिकता की आगे बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिखों को बढ़ाती आई है, प्रमोट करती आई है। जिस दफ्तर में मैं बैठा हूँ, यह 78 में बना, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय की जनता पार्टी अंडर श्री मुरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री एल के अडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि 30 साल से फ्रॉम 47 टू 77 माइनॉरिटीज को पीछे रखा जा रहा है, माइनॉरिटीज को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए एक कमीशन बनना चाहिए। तब ये 12 जनवरी 1978 को कमीशन बना इन दी जनता पार्टी गवर्नमेंट। और जब भी कांग्रेस आई उन्होंने इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। ये जो कमीशन बना है सिखों को तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, 65 बार हीरो एयर मार्शल अर्जन सिंह थे जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। आज तक 3 फील्ड मार्शल बने हैं, सैम मानिकशॉ और अर्जुन सिंह जी, दोनों माइनॉरिटीज से हैं। माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पूरा आगे बढ़ने का मौका मिला, हर आदमी की बात सुनी जाती है। अभी हमने 2 दिन पहले कतर से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप वापस लाए हैं, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको लेटर भी देता हूं कि इज्जत के साथ उनको लाया गया। इस कमीशन में 2 ही चेयरमैन सिख बने हैं, एक मेरे से पहले 2003 से 2006 और दूसरा मुझे मौका मिला। तो हमें दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया कि हम माइनॉरिटीज की सेवा कर सकें। और जो गुरु नानक का फलसफा है, सबे सांझी बाल सदायन तू किसी न दिशे बारा जियो, सब हम एक हैं, सबको मिलके लेके चलते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं, मैं सिख हूँ, आपने सिखी की बात कही है, सिख आर टोटली सेफ हियर, सिख्स वर टोटली अनसेफ व्हेन दी अदर, हमें तो डर था हमारी कोई बात ही नहीं सुनी जाती, वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी गई है। जहाँ इन पे ऊपर हमले हुए हैं उनका हिसाब लिया जा रहा है। तो सिखों को कौन सी जगह, जहां कड़ा पहन के मैं यहां बैठा हूं, मैं अमृतधारी सिंह भी हूं और केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हूं के रैंक पे बैठा हूं, जो चेयरमैन हूं माइनॉरिटी कमीशन का। सो ये जो है एक मानसिकता है जो अपने अंदर उनकी मानसिकता है, उनके बुजुर्गों की मानसिकता है जिन्होंने सिखों के साथ हमेशा वैदा खिलाफ भी की और कहा था नेहरू जी ने कि इंडिया में एक ऐसी जगह बना देंगे जहां सिख विल जो ग्लो ऑफ फ्रीडम को एंजॉय कर सकेंगे। वो ग्लो ऑफ फ्रीडम क्या मिली, पंजाबी और पंजाबियत के लिए जगह जगह उनको एजिटेशन करी, लोग मारे गए और इंसाफ अब तक भी हम ढूंढ रहे हैं जो अब मोदी जी के ने आके देना शुरू किया। मैं किसी की राजनीति पे नहीं बोलना चाहता, फैक्ट्स पे बोलना चाहता हूँ। हमारे भारत की धरती में जो इनहेरिटेंस होती है वो फादर से होती है या मदर से होती है,
तो राहुल गांधी जी भी हमारी मिनोरिटी से हैं, उनके दादा फिरोज गांधी जी पारसी थे, आज भी उनका घर है वहाँ बना हुआ। पारसी मिनोरिटी को इतना बड़ा मौका मिला, हमारे साथ मेरे साथ भी पारसी मेंबर हैं केसी देबू जी, उनके दादा का घर भी उन्होंने खरीदा है जहाँ बुरी हालत है। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। धर्म तो सभी, सब धर्म एक जैसे हैं, सब धर्म बराबर हैं, सभी। हमें तो अभी देश के आज़ाद हुए 75-77 साल हो गए, हम अब मिनोरिटी के दफ्तर में बैठे हैं। मैं सिख हूँ, मैं सिखी की बात करूँगा, जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात ना है। हम तो कहते हैं शरीर के अंदर एक ही जोत है, और वो जोत है, जात की बात वहाँ नहीं करनी चाहिए। मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। ये मेरे गुरुओं का संदेश है, एक जात है यहाँ, दूसरी नहीं है। जो आदमी काबिल है, जो एग्जाम पास करता है, जो आदमी काम कर सकता है, तो वो कुर्सी पे बैठता है। अगर मैं काबिल ना होता तो मुझे यहाँ कौन बिठाता। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि मुझे आई डिजर्व दिस। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको जो उनको भी बहुत कुछ दिया है, थोड़ा अच्छा होता कि वो अपने पारसी भाइयों के लिए भी कुछ करते, उनका सम्मान करते, उनको बताते, हाँ जी। लेकिन ये ना उस धर्म में जात पात है, ना मेरे धर्म में जात पात है। तो जो आदमी अच्छा काबिल है, वो किसी का भी है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसा ही सभी को करना है। तो देखिए, बीजेपी लीडर इकबाल सिंह लालपुरा, मनजिंदर सिंह सिरसा और यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने जाने क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी की आदत खराब हो गई दर्शकों। राहुल गांधी की आदत ये हो गई है कि बाहर जाओ जहर फैलाओ। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर यहां पर भारत के खिलाफ आग उगला है और भारत में उन्होंने तमाम तरीके से बीजेपी, आरएसएस और अब सिखों पर हमला किया है। हालांकि राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि ये सिखों का अपमान है और यहां पर सिख इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी अगर भारत में ऐसा बोलते तो उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। राहुल गांधी ने यहां अपमान करने की कोशिश की है और देखिए, आपने साफ सुना, इन्होंने कहा आज मैं 60 सालों से पगड़ी और कड़ा पहन रहा हूं। इन्होंने साफ कहा राहुल गांधी का सिर्फ लुक बदलता है, आउट लुक वही होता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा बाहर राहुल गांधी जाते हैं लेकिन इनका लुक वही बदलता रहता है, लेकिन आउटलुक वही होता है। आउटलुक मतलब आपकी विचार, आपकी भाषा, आपकी सलाहियत, सोचने समझने की बुद्धि। आउटलुक आपका वही होता है, पर्सनालिटी आपकी वही होती है। बता रहे आपको दर्शकों, राहुल गांधी लगातार अभी आरएसएस, बीजेपी और मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। बीजेपी नेताओं ने कहा है अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए, जब वो विपक्ष के नेता थे तब अमेरिका जाकर ऐसे जहर नहीं उगलते थे। विपक्ष के नेता के रूप में बैठकर आपने देश को बदनाम करने की कोशिश की है और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अमेरिका गए हों, चीन गए हों तो ऐसी बातें उन्होंने की है। राहुल गांधी की अब आदत खराब हो गई है। राहुल गांधी को यह पता है कि मैं विदेश जाऊंगा, कुछ मुझे लाइमलाइट मिल जाएगी, आरएसएस मोदी के खिलाफ जितने लोग हैं वो मेरे साथ एकजुट आएंगे। लेकिन राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि राहुल गांधी की इस छवि को भारत की जनता नकारती है और भारत की जनता ये कहती है कि विपक्ष के नेता बाहर जाकर क्या जरूरत है देश का अपमान करने के लिए, क्या विदेशी ताकतें आपको देश को बचाएंगी। अटैक्स भी विदेशी ताकतें करती है लेकिन राहुल गांधी भारत के लिए बाहर अटैक बनकर जाते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी को अभी भी बुद्धि नहीं आई है, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को घेरा है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर ऐसे नब्ज टटोलने की कोशिश की हो और बार बार जहर फैलाने के लिए कार्यरत हो, यह पहली बार नहीं है। और बता दें आपको, उन्होंने कहा देश की छवि खराब करना देशद्रोह के बराबर है। यहां तक कि बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया है। राहुल गांधी के लिए कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी की आदत है हमेशा भारत को वो कमजोर बताना बाहर जाकर और भारत की छवि धूमिल करना है। शिवराज सिंह ने कहा यह आपातकाल की बात जो करते हैं यहां पर हम सब जो करते हैं वो किसने किया,
कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी ना भारत के हो सके, ना राहुल गांधी भारत के लोगों के हो सके। और आपने देखिए दर्शकों तमाम बयान सुना, राहुल गांधी की आदत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। राहुल गांधी कभी भी देश की छवि वहां साफ करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन धूमिल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि विदेशी ताकतें जितनी मजबूत होंगी उतनी जल्दी मोदी सरकार गिरेगी। ये पता नहीं है कि भारत की जनता के वोट के सहारे भारत में सरकार बनती है और गिरती है। यह बात राहुल गांधी को हजम नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने तमाम लताड़ लगाई है राहुल गांधी को कि यहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार बन गई तो राहुल गांधी को खलबली है कि आखिर हमारा जनाधार क्यों खोता जा रहा है, जबकि इस बार सीटें ज्यादा लेकर कांग्रेस पार्टी आई है। और यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी की बौखलाहट उनकी बातों में दिखाई देती है। बता दें आपको, इनके अंकल सैम ने राहुल गांधी को कहा था कि देखिए आप कोई पप्पू उन्हें नहीं बोलता है, और कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली अंकल सैम ने ही राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया है। क्या जरूरत थी बोलने की कि बीजेपी के नेता आपको पप्पू नहीं बोलते? राहुल गांधी बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, राहुल गांधी एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और राहुल गांधी इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि अब बीजेपी के नेताओं ने भी उन्हें पप्पू कहना छोड़ दिया है। यानी कि सैम अंकल जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। खैर, आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ जो बातें बीजेपी के नेताओं ने कही है वो सही है, और अगर भारत आते तो राहुल गांधी के ऊपर बड़ा केस दर्ज होना चाहिए सिखों के अपमान में? जरूर हमें कॉमेंट के सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।